हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेशिया उर्फ दुबई के बारे में। मलेशिया और दुबई में यदि आप एक एसी टेक्निकल हैं तो आपकी सर्विस के साथ साथ आपकी सैलरी कितना हो सकता है, और मलेशिया या चाहे कह सकते हैं दुबई में आपकी जॉब कैसे आसानी तरीके से लग सकता है। मेरे पास नया न्यूज या इंफॉर्मेशन कह दिए आया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एसी टेक्निकल हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो एसी जो बचपन से सीखे हैं, तो कोई वहीं एसी मतलब आईटीआई करके सीखा है। आज इसके तौर पे हम बात करेंगे कि आप मलेशिया और दुबई में कितना सैलरी कमा सकते हैं यदि आप लोग एसी के एक काम सीखे हैं। तो एसी टेक्निकल क्या होता है, एसी कैसे बनता है और एसी कैसे फिट होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यदि कोई भी एसी टेक्निकल है तो हमारे इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं दुबई और मलेशिया के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पर टेक्निकल एसी की कीमत कितना होती है और टेक्निकल एसी में कितना वो कमा सकते हैं। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन और नया नया जानकारियां देते रहता हूँ। जिस प्रकार से मेरा कोई भी व्यूवर्स किसी भी कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा नाम कमा लेगा। दोस्तों, आइए हम बात कर लिया जाए कि टेक्निकल एसी के बारे में और मलेशिया और दुबई में कितना वह कमा लेगा। यदि दोस्तों कोई भी जानता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर दीजिएगा, नहीं जानता है तो हमारी इस बातों को जरूर सुनिएगा। आज हम बता देंगे आपको मलेशिया और दुबई की कंट्री के बारे में। एसी जो होता है दोस्तों, एसी मोटर, एसी मशीन, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसके टॉपिक पे आज हम बात कर लिया जाए। एसी में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एसी बने बनाए आया रहता है, एसी का पाइप तक तहां तक लिख रहा रहता है, वायर तार वगैरह वगैरह सब कुछ लिख रहा रहता है। केवल आपको जैसे कि जगह कौन सा है, रूम कौन सा है, किचन है, लॉबी है, हॉल है, रूम है, या चाहे कह सकते हैं कोई अन्य हाउस है, उसमें बैठने के लिए हम आपको यही वाले मतलब बात बताएंगे। चाहे आप मलेशिया में जॉब करें या चाहे दुबई में जॉब करें, एसी का जो टेक्नीशियन है उनको बहुत आसानी से मतलब काम मिल जाता है वह करने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे इंडिया में एसी का काम दूसरा होता तो वहीं पर देखा जाए दुबई और मलेशिया में काम दूसरा होता है, ऐसा दोस्तों नहीं है। हमारे इंडिया में खुद को पाइप निकालना पड़ता है, खुद को वायर का तार निकालना पड़ता है, खुद अपने ही सेटिंग करना पड़ता है, अपने ही मतलब वगैरह वगैरह ढेर काम करना पड़ता है। और मलेशिया और दुबई में ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पर आपको मोटर के साथ साथ तार वायरिंग सब कुछ लिखा रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा बस टाइम अपना बर्बाद करना होगा, या चाहे कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा समय लगाकर ही आप काम वहां ज्यादा कर सकते हैं। बात कर लिया जाए, इसमें कोई सर्टिफिकेट की बात नहीं रखा गया है, ना ही कोई ज्यादा टैलेंट की बात रखा गया है। यदि आप जाना चाहते हैं मलेशिया टू दुबई कंट्री में, तो आप यदि जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो एसी का काम सीखे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एसी का काम जानते हैं जिनके पास कहीं जाने का चांस नहीं है, कुछ ऐसे लोग को देखा होगा कि कुछ मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री के साथ हेल्पर जाते हैं, वो भी टैलेंट हो जाते हैं, पर कोई ना कंपनी साथ देती है या ना ही कोई उनको उतना नॉलेज होता है। तो मैं दोस्तों आज आपको बता दूं, चाहे मलेशिया चाहे दुबई जाइए, यदि आप एसी के बारे में कुछ आपको नॉलेज है, एसी टेक्निकल से संबंधित आपको कोई नॉलेज है या जानकारियां है, तो आप अच्छा खासा बिना सर्टिफिकेट बिना डिग्री के केवल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए दुबई और मलेशिया में आपका जॉब रखा गया है। जिसमें सैलरी की बात कर ले, मैं बता दूं दोस्तों, यदि फर्स्ट टाइम जाते हैं मलेशिया चाहे दुबई कंट्री में किसी भी कंपनी में जाएंगे, चाहे सप्लाई कंपनी जाए, चाहे डायरेक्ट कंपनी जाए, चाहे कोई आपको कपिल बुलाए के, चाहे कहीं भी आप जो ज्वाइन होने के लिए जाते हैं मलेशिया चाहे दुबई में, तो आपकी सैलरी फिक्स है कि इंडिया करेंसी में कम से कम 35,000 से 40,000 50,000 रुपए तक पर मंथली महीने कमा लेंगे। इसमें मैं बता दूं, एसी का काम टेक्नीशियन वाला है, जहां पर आपको खाना नहीं बनाकर खाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ऐसे लोगों को खाना बनाकर खुद खिलाती है, वो भी अच्छा खासा खाना खिलाएगी, अच्छा खासा रूम देगी, साथ ही साथ और भी ऐसे मतलब बोनस फंड सब कुछ देगी यदि आप 2 साल के एग्रीमेंट के तौर पे जाते हैं तो। दोस्तों, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, एसी टेक्निकल है तो अच्छा खासा सर्विस के साथ सैलरी जरूर पाएंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, फिर लेकर आएंगे एसी या चाहे और कौन सी ऐसे संबंधित बारे में जॉब के बारे में। दोस्तों
एसी का काम एक ऐसा काम है जो मलेशिया चाहे दुबई में बहुत तेजी से चलता है। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, फिर लेकर आएंगे कुछ अन्य बातें आपके साथ।